गया इसने हलवा खिला खिला के। हम खवातीन से अपनी फोटो नहीं बनवाते। भाई आप लॉन्ग मार्च में आए लेकिन अपनी वीडियो ज्वाइन कर लीजिए। हाँ भाई अपनी ओके अपनी जिम्मेदारी पर। मरियम नवाज लंदन चली गई और ये बेचारा यहाँ पे किसका अभी चार काले मरियम नवाज की। सरकारी का कोई फोन नहीं था अभी। इमरान खान साहब लिबर्टी चौक पहुंचे, इन्होंने लिबर्टी चौक का सारा विजिट किया लेकिन एक हैरान कुन यहाँ पर एक मामला पेश आ गया। मौलाना फजल रहमान साहब लिबर्टी चौक में इमरान खान साहब के ये सब इंतजाम को देखने पहुंच गए। मेरे साथ एक पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, लाहौर जनरल कौंसलर साहब मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और मौलाना साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप पीटीआई वालों के साथ बैठ चुके हैं। ये देखे हम इनको इंसान समझते हैं, बड़ी बात है। नहीं समझते हर जलसे में हमें डीजल कहते हैं, हमने कभी बुरा नहीं था। मेरी बात पीटीआई वालों के साथ बैठ चुके हैं, अगर जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज देख ले तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको नहीं पता? उनको पता है कि हम सस्ते में बिक जाते हैं। इन्होंने तोड़ा नहीं है, अंदर की बात बताता हूँ। इन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए। मौलाना साहब लॉन्ग मार्च का पहला गैर हतमी नतीजा आवाम ने नारे लगा दिए कि हो गए हैं कि मौलाना साहब चलकर खुद लिबर्टी चौक में आ गए हैं, क्या आपने क्या सोचकर आप यहाँ पर आए हैं? भाई मैंने तो पहले भी बताया, आपने पहले भी पूछा था, मैं अब भी बता रहा हूँ, आपका जज्बा देखने आया हूँ, आपका जज्बा ठुस है। आप कहते हैं कि यहाँ पर सारे पीटीआई वाले बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं आधे से ज्यादा तो हमारी पार्टी के कारकुन। हम ऐसे इंतजाम पर लानत भेजते हैं, किसी ने पानी नहीं पूछे। लेकिन ये मत कहें कि हमने मौलाना को तोड़ लिया। मौलाना तो खुद अंदर से टूट गया। हमें सदर का कह के हमारे साथ धोखा किया है।